निया शर्मा भी जा रही है बिग बॉस, आपकी दोस्त से सुना मैंने। माय डार्लिंग फ्रेंड, मेरे लिए वो, मैं उसको ब्रो बोलती हूँ। एंड जब वो जा रही थी मुझे न्यूज़ पता चला, लिटरली मैसेज जो आई सेड बेब यू हैव टू टेल इट, सो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगी बिकॉज़ जो हिसाब से वो है, द वे शी इज, आई थिंक शी इज टू गुड। वो बहुत ब्लंट, बहुत अपफ्रंट लगती है एंड आई थिंक शी विल किल इट। सो अभी जब निया जा रही है तो मेरा फुल सपोर्ट निया के लिए, फुल ऑन सपोर्ट निया के लिए। अगर आपको जाने मिला जब सलमान सर होस्ट करेंगे, तब ऑफर अगर आता है खतरों के खिलाड़ी के बाद, अब जाना पसंद, तब जाना पसंद करोगे यार? बिग बॉस, फिर एक ही घर में आप और निया, वो तो फिर धमाल होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज़ निया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बट बिग बॉस देखते हैं, तो जरूर भी किसी के साथ देखते हैं क्या? नहीं अभी वो नहीं थी। हां नहीं, अच्छा है ना ये भी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विशाल सर, नाम विशाल सर की बात। फैंस लोग ने भी, बहुत लोग ने एग्री किया। जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट बहुत आ रहे हैं। I would take it in a very good way, but there's nothing more to it. So I'm done. अब इसके बाद आई थिंक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए। कुछ नहीं, खतरों के खिलाड़ी अभी खत्म। आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? आने वाले दिनों में अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक टिकट टू फिनाले वीक चलने वाला है, एंड देन सेमीफिनाले होगा, देन फिनाले होगा। सो बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी एंड होने आ रहा है। और हमने सुना है कि आपके फैंस चाहते हैं कि आप फाइनल की टिकट तक जाएं। टिकट टू फाइनल में आप होते हैं, टॉप 3 में। मैं कहां तक पहुंचती हूं? मैं हम फैंस की दुआ है और हमारी भी दुआ है। मतलब फैंस को तो लगता है, आप लोगों को लगता है कि विनर आपके हिसाब से तो विनर बन चुका है कुछ। वो बोलने वाले की बात है, बोल रहे कुछ है, लेकिन हम भी चाहते हैं, फैंस भी चाहते हैं कि आप भी टॉप 3 में पहुंचे। देखते हैं। और किक बॉक्सिंग करने की वजह, स्पोर्ट्स में क्या रुचि है? नहीं, मुझे किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये मेरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ, और मैं किक बॉक्सिंग हो गया, पिलाटिस हो गया, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस चेंज करती हूँ। आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा? मतलब कुछ प्रोजेक्ट, मूवी, सीरियल, रियलिटी शो? मैं साउथ में पिक्चरें करती हूँ, तो साउथ की मेरी पिक्चरें अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, बिकॉज साउथ तमिल इंडस्ट्री थोड़ा बंद है, वहाँ पे वर्क रिज्यूम नहीं हुआ है। सो बस देखते हैं क्या होता है।